लग रहा था जैसे कि सब खत्म अब मतलब सिंपल मैं आपको बता रही हूँ, मैं मेरा फोन उठाने का मन नहीं था, कुछ भी करने का मन नहीं था। इंसान आप बेड पे चला जाए, मैं ही अनएक्सपेक्टेड हो जाता है कि ये एक्सपेक्ट नहीं किए थे। तो बस यही। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फैशन फॉक्स। तो आज मैं बहुत दिनों के बाद मतलब व्लॉगिंग स्टार्ट कर रही थी बट हुआ नहीं। उसके पीछे का भी रीज़न मैं आपके साथ सारा कुछ अच्छे से डिस्क्राइब करूँगी, बताऊँगी कि क्यों मैं 69 डेज के बाद आज वीडियो बना रही हूँ और इतने दिनों से मैं कहाँ थी, क्यों नहीं व्लॉग्स डाल रहे थे हम लोग। मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, बहुत सारे क्यूरीज आई है कि आप व्लॉग क्यों नहीं डाल रहे हैं, आप ठीक हैं या नहीं, कोई प्रॉब्लम हो गया। मतलब मैं चाहती तो स्क्रीनशॉट लगा देती बट आप लोग जाके देख लेना कमेंट सेक्शन में, बहुत सारा इतना सारा मैसेज आया। तो होता है ना कि एक इच्छा जागा मेरे अंदर से कि मुझे ना आपके साथ शेयर करना चाहिए कि मैं क्यों नहीं वीडियोस बना रही हूँ, क्यों नहीं व्लॉग्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ। उसके लिए ना बहुत हिम्मत चाहिए था मुझे फिर से व्लॉग स्टार्ट करने के लिए। तो मैं आज हिम्मत जुटा के आज सुबह मैं कोशिश करी व्लॉगिंग करने का बट नहीं हो पा रहा था, ऊपर से मेरा तबीयत भी ठीक नहीं है तो इसलिए मैं छोड़ दी। मैं सोची पहले एक सेपरेट वीडियो बना के आपके साथ शेयर कर दूँ कि मैं क्यों नहीं व्लॉग्स आपके साथ शेयर करी थी। और बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे थे ना, तो मतलब मेरे को बहुत ख़राब लग रहा था कि मैं अचानक से बंद कर दी और इतने लोग परेशान हो रहे मेरे लिए, फिर लोग छोड़ दिए मतलब कि कोई फ़ायदा नहीं, मैं रिप्लाई नहीं कर रही थी तो बहुत सारे लोग छोड़ दिए कि चलो अभी ये रिप्लाई नहीं करेगी, इनका कुछ नहीं होगा, मतलब ये व्लॉग्स वगैरह नहीं डालेंगे। तो मतलब बहुत ज़्यादा परेशान थी मैं, बहुत परेशान, मतलब परेशान क्या, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी। तो क्यों डिस्टर्ब थी मैं वो आपके साथ शेयर करती हूँ। मैं लास्ट वीडियो डाली थी आज से 69 डेज पहले, गर्मी का छुट्टी स्टार्ट हुआ था और उसके बाद मैं जी गई थी अपनी बहन के यहाँ। ओके, तो बहन के यहाँ गई थी तो उसके बाद से मैं मतलब उसके घर से जब मैं निकली थी जाने के लिए अपने मायके, उतना दिन तक का व्लॉग मेरा है और मेरा व्लॉग बहुत अच्छा जा रहा था, सारे पे इतना अच्छा व्यूज़, मेरा एक व्लॉग तो बहुत ज़्यादा चला है, बहुत ज़्यादा वायरल हुआ है। तो मैं मतलब मैं कभी नहीं चाहती कि मैं अपना व्लॉगिंग करना छोड़ दूँ और आपके साथ अपना डेली रूटीन शेयर नहीं करूँ, क्योंकि हर लोग चाहते हैं कि मैं आगे बढ़ूँ, आगे कुछ करूँ अपने लाइफ में। और मेरा तो हो रहा था, मेरा तो बहुत जल्दी चैनल मोनेटाइज भी होने वाला था बट मुझे छोड़ना पड़ा। उसके पीछे का रीज़न मैं आपको बता रही हूँ। तो मैं अपने दीदी के घर से गई थी मायके, तो फर्स्ट मतलब 2-3 दिनों तक ना, मतलब जाने के बाद होता है ना, फैमिली के साथ इन्वॉल्व हो गई और मतलब मन नहीं कर रहा था व्लॉगिंग करने का, मैं सच बता रही हूँ, मन नहीं कर रहा था। होता है ना, वहाँ मेरी भतीजी है, भाई है, पापा है, माँ है, तो सब लोग थे और मेरे को मन नहीं कर रहा था बात करने का। और कभी होता है ना कि एक टाइम चाहिए होता है सिर्फ फैमिली के लिए, बीच में कोई फोन वीडियो कुछ नहीं। उसके बाद हुआ ये कि मतलब मेरी माँ, जो मेरी, मैं अपनी माँ से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, हर लोग करते हैं मुझे पता है, हर लोग अपनी माँ से बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तो मैं भी अपनी माँ से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। मेरी लाइफ में मेरी माँ का जो जगह है ना, वो कोई नहीं ले सकता। तो मेरी माँ का ना अचानक से बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गया और पहले तो उसको हुआ क्या कि उसको पैर ना जमीन पे वो रख नहीं पा रही थी, इतना ज़्यादा उसको मतलब पेन अचानक से हुआ। पहले था उसका चल रहा था इलाज, क्योंकि जब हमारा घर बना था ना, जो घर मैं आपको दिखाई हूँ बहुत सारे ब्लॉग्स में, मेरे माइक के घर, उसमें वो एक बार गिर गई थी तो उसका पीछे जो हड्डी होता है ना, मतलब जो कमर के पास हड्डी होता है, वो थोड़ा सा हेयर फ्रैक्चर मतलब हो गया था। तो वो उस वक्त उसको पता नहीं चला था, जब वो गिरी थी उसको कुछ पता नहीं चला था और उस साल 1.5 साल 2 साल के बाद उसको पेन स्टार्ट हुआ। तो उसको बाद 2 साल के बाद हम लोग को पता चला कि माँ गिरी थी, तो वो उसको तकलीफ स्टार्ट हुआ। तो रांची से उसका इलाज चला था बहुत अच्छे डॉक्टर के साथ आपके पास, तो वो चीज़ अलग था, वो तो चल ही रहा था। उसके बाद
जब हम लोग गए तो 2-3 दिनों के बाद ना मेरी माँ का ना कहते हैं ना शरीर थोड़ा डाउन होने लगा, दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा। तो हम लोग जो गया में दिखवाते हैं डॉक्टर के पास, जो मतलब समझ में नहीं आ रहा था लोगों को अचानक इतना दर्द क्यों हो रहा है, और ज़मीन पर पैर नहीं रख पाई थी, जैसे ही पैर रखती थी ज़मीन पर उसको करंट टाइप का एकदम चढ़ जाता था और वो ना मतलब चल नहीं पाती थी। जो इंसान सुबह में 4 बजे उठ के पूजा कर रहा है, और मेरे साथ मैं गर्मी की छुट्टी में गई थी तो है ना हमारे यहाँ बिहार में जो अदौरी होता है, चिप्स होता है, चरौरी होता है, ये सब ना उसके साथ मैं पा रही थी। मैं झूठ क्यों बोलूँ, मैं अपने माँ के साथ ये सब काम करी हूँ, ऐसे करवाना नहीं चाहिए था। बहुत अफसोस हो रहा है मेरे को कि मैं अपनी माँ के साथ ये सब करी, शायद इसलिए ये सब हो गया। तो उसके कारण हो सकता है मे भी मेरे कारण ही हो गया होगा, मुझे ऐसा लग रहा है अभी भी। उसके बाद मैं आपको बता देती हूँ, मेरी माँ पैर नहीं रख पा रही थी ज़मीन पे। फिर धीरे 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 हुआ क्या कि मेरी माँ एकदम बेड पे आ गई, चल नहीं पा रही थी, घूम नहीं पा रही थी, मतलब बहुत ज़्यादा स्थिति उसका ख़राब हो गया। हम लोग डॉक्टर्स को दिखवा रहे थे, बट डॉक्टर बोलते हैं कि उसके बाद मैं आपको बताती हूँ, डॉक्टर तो देखे, उसके बाद 4 दिन का दवा देते हैं, 5 दिन का, उसके बाद आप आइए। उसके बीच में मेरी माँ का बेड पे ही उसका सब कुछ होने लगा, मतलब उसका पॉटी और टॉयलेट दोनों चीज़ उसका बेड पे होने लगा। और मतलब जो कंटिन्यू पॉटी हो रहा था लगातार, मतलब एक दिन में वो कम से कम 20 से 25 बार उसको पॉटी लगातार हो रहा था, और टॉयलेट उतर नहीं रहा था। तो उसके कारण उसको वो जो टॉयलेट निकाला जाता है वो लगाया गया। और मेरी माँ देखते 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 दम उसका शरीर 4 दिन के अंदर डाउन हो गया। 1-2 दिन लूज मोशन होता है तो लोग क्या फील करते हैं आप लोगों को पता ही होगा, शरीर काम करना बंद कर देता है। और मेरी माँ का 4 दिन हम लोग समझ नहीं पा रहे थे, अचानक से ये चीज़ हुआ था, हम लोग समझ नहीं पाए क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। और फिर उसका बढ़ता चला गया बढ़ता चला गया। फिर हम लोग 4 दिन के अंदर डिसाइड किए, मतलब डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर बोला कि इनको MRI करके देखिए। MRI करने पे पता चला कि, फिर जल्दी जल्दी MRI हुआ, उसके बाद पता चला कि उसके जो स्पाइनल कोड है ना उसमें नस फंस गया है। उसके बाद हम लोग का दम दम दिमाग खराब हो गया। और वो जो स्ट्रेस था ना, मतलब वो जो टाइमिंग था, जो ये सब मैं देख रही थी ना, उसके बाद तो मेरे को चैन नहीं हो रहा था, मतलब लग रहा था जैसे कि सब खत्म। अब मतलब एक एज होता है और लोगों का 50-55 साल की एज में ये सब होना अच्छा नहीं है, एक एज हो जाता है 80-85, तो लोग समझ में आता है कि ये लोग बुढ़ापा है, कुछ कुछ ना कुछ होते रहता है, बट मेरी माँ को इतना एज है नहीं। तो उसके बाद हम लोग, वो बोले कि यहाँ गया में नहीं, आप बाहर जाके दिखाइए। फिर हम लोग जहाँ से उसका परमानेंट चल रहा था, रांची, रांची वो गई लेकर हम लोग आए झटझट, बट जितना जल्दी हो सके। रांची में गए तो डॉक्टर बोला कि मतलब तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा, अदरवाइज ये एकदम पैरलाइज्ड हो जाएंगी, मतलब वही स्थिति हो गया था। बहुत सारा मतलब होता है ना उस वक्त, कुछ लोग कुछ बोलते हैं कुछ लोग कुछ बोलते हैं, तो बहुत कंफ्यूजन हो जाता है, बहुत परेशान हो जाते हैं हम लोग। सब लोग बहुत परेशान थे, मेरे पापा घर पे थे, बाकी सारे लोग हम लोग रांची में थे, ठीक है। उसके बाद डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर बोला कि आप जितना जल्दी ऑपरेशन करा सके उतना अच्छा। तो जिस दिन हम लोग गए थे सुबह में, उसी दिन शाम में 4 बजे वो बोला कि एडमिट कर दीजिए, कल ऑपरेशन हो जाएगा 11 बजे तक। फिर हम लोग एडमिट कर दिए अपने माँ को, और उसके बाद नेक्स्ट डे 11 बजे तो नहीं, 3 बजे ऑपरेशन हुआ। मतलब ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, अच्छा रहा, मतलब उम्मीद, मतलब एक होता है ना जो स्पाइनल कोड में जो नस का ऐसा प्रॉब्लम ना, मतलब बहुत, मतलब 5 साल के बच्चे को भी हो सकता है, बड़े को भी हो सकता है, ऐसा डॉक्टर बोले थे, मैं नहीं बोल रही हूँ। तो और डॉक्टर ये बोला था कि बहुत एज नहीं है कि इनको जैसे छोड़ दिया जाए, इसलिए ऑपरेशन करना तो बहुत ज़रूरी है, आप ऑपरेशन कीजिए और इनको मतलब ये ठीक हो सकेंगे। बट जो प्रॉब्लम है दोनों चीज़ का, वो समय लगेगा ठीक होने में, कब होगा 2 साल 2.5 साल 3 साल 4 साल, वो तुरंत ठीक नहीं होगा, क्योंकि वो जो नस होता है ना, जो स्पाइनल कोड में जो नस फंसा हुआ, ब्रेन से होते हुए शायद जाता है, आप जो भी करते हो आपको ब्रेन वो देता है कि हाँ आपको सुसु आया है, आपको पॉटी आया है, तो वो नस एकदम डैमेज हो गया है। तो इनका ये वाला चीज़ कभी ठीक नहीं होगा, मतलब होगा ठीक, बहुत टाइम लगेगा, 2 साल भी लग सकता है, 6 महीना भी लग सकता है, 3 महीना भी लग सकता है, 3 साल भी लग सकता है। तो ये वाला चीज़ टर्म एंड कंडीशन
रख के डॉक्टर ऑपरेशन करे थे। हम लोग के पास था कि ना इधर मतलब कुआं है इधर खाई है, नहीं करवाएंगे और करवाएंगे तो भी नहीं ठीक होगा। बट फिर भी हम लोग सब भाई बहन सबसे राय करके हुआ कि नहीं ऑपरेशन तो होना ही चाहिए, इतना दर्द में है, इतना पेन में। मेरी माँ बहुत पेन में थी, जब तक ऑपरेशन नहीं हुआ था बहुत पेन में थी, इतना ज़्यादा पेन में थी। और इन सब के दौरान मैं व्लॉगिंग नहीं कर सकती थी। बहुत लोग ना कैमरा लेके करते हैं, बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए, हर चीज़ आपको दिखा रहे हैं लाइफ में का वो सब भी दिखाना चाहिए। बट मेरे को ना हिम्मत, मैं तो भूल ही गई थी फ़ोन भी कहीं है, मैं फेंका रहता था फ़ोन, बच्चे देखते थे क्योंकि मैं बिजी रहती थी और लोगों को मौका मिल जाता था फ़ोन देखने का। तो मतलब फ़ोन मैं नहीं कर सकती। अच्छा मोमेंट मैं शेयर कर सकती हूँ, बट जब खराब मोमेंट आता है ना तो मेरे मतलब मेरे को हाथ पैर काम ही नहीं करता कि मैं व्लॉगिंग करूँ या सब कुछ भी करूँ। तो मैं एकदम फ़ोन से रफा दफा हो गई थी, छोड़ दी थी फ़ोन, और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ मेरा माँ पे फोकस था। उसके बाद ऑपरेशन हुआ, 1-1.5 घंटा जो भी होता है हुआ। उसके बाद ऑपरेशन होके आया, मतलब डॉक्टर बोले कि ऑपरेशन तो बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा ऑपरेशन हुआ था। मतलब थोड़ा क्रिटिकल था ऑपरेशन करना, सच तो ये बहुत क्रिटिकल था। डॉक्टर सब कुछ समझ रहे थे बट वो भी जान रहे थे कि बिना ऑपरेशन किए कुछ नहीं होगा। तो फिर ऑपरेशन हुआ, माँ बाहर आई, आईसीयू में चली गई, एक दिन पूरा आईसीयू में रही। उसके बाद वो बाहर आई और फिर मैं आ गई अपना रामगढ़, क्योंकि माँ को भी मतलब उस वो जो हॉस्पिटल वहाँ एक दो लोग रह सकते, ज़्यादा लोग नहीं रह सकते। तो ऑपरेशन के बाद मैं जब माँ आईसीयू में शिफ्ट हो रही थी, मैं वापस आ गई रोते धोते। मतलब मैं बहुत रोई थी, इतना रोई थी, वहाँ रिसेप्शनिस्ट थी, बोल रही थी कि ठीक हो जाएगी आपकी माँ, ठीक हो जाएंगी। तो ये चीज़ हुआ। उसके बाद मेरी माँ अभी ठीक है, मतलब बोल रही है, अच्छे से बात कर रही है। बट ये मेरे लिए बहुत बहुत ज़्यादा हार्ट, मतलब कहते ना हार्ट में वो चीज़ लग गया कि मेरी माँ उठ नहीं रही है। मेरी माँ उठती है बट कुछ सहारा वहारा इधर से मैं पकड़ती थी और इधर से मेरी भाभी पकड़ती है और तब वो चल पाती है। और जो इंसान एकदम चरफर टाइप का होता है, सारा काम कर लेना, फिर 10 दिन मैं स्कूल छोड़ा के भी गई, क्योंकि ऑपरेशन होने के बाद तो एक 4 से 5 दिन वो हॉस्पिटल में रही। बीच बीच में हम लोग गए थे आए थे। उसके बाद हुआ क्या कि इस मतलब एक दो दो आदमी तो एकदम मेरी माँ में परमानेंट चाहिए होता है। तो बड़ी वाली बहन आने वाली थी बट उसकी बेटी का एग्ज़ाम हो गया, तो वो थोड़ी बड़ी है तो उसको अकेले छोड़ के नहीं आ सकती, जो जमशेदपुर में रहती है। तो उसके कारण ना मुझे 10 दिन, मैं एकदम मतलब मुझे पता चला कि मेरी माँ का मतलब भाभी अकेली हो गई है। तो मैं वहाँ से 4 दिन बाद डिस्चार्ज कर दिया, गया चली गई, हम लोग यहीं थे उस वक्त। फिर उस वक्त भी मेरा बिल्कुल मन नहीं था, मैं बहुत रोई हूँ, मैं इतना रोई हूँ। मेरे आस पड़ोस वाले लोग भी आ गए थे देखने के लिए क्या करिए कि तो क्यों बंद हो गई है, क्यों रोती है इतना दिन भर। तो मैं इतना ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं कर रही, बट मैं सिंपल मैं आपको बता रही हूँ, मैं मेरा फ़ोन उठाने का मन नहीं था, कुछ भी करने का मन नहीं था, मैं व्लॉगिंग नहीं कर रही थी। इसलिए अभी सिचुएशन थोड़ा हाथ में है, थोड़ा कंट्रोल है। तो मेरा मन किया कि चलो मैं अपना स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि मेरा अच्छा सब कुछ चल रहा था, ट्रैक पे था, मैं भी आगे बढ़ती, मौका मिलता तो, मतलब मौका तो मिला बट होता है ना, छोड़ दी थी। तो बहुत सारे लोग क्वेश्चन कर रहे थे क्या हुआ क्या हुआ, तो मैं सोचा चलो फाइनली एक मैं वीडियो बना देती हूँ। तो मेरी माँ अभी ठीक है बट अभी उसका वही स्थिति है, दोनों चीज़ अभी उसका कोई ये नहीं है कि वो समय से होगा। अभी भी टॉयलेट उसका बैग नहीं हो रहा है जो लगा रहता है, एंड पॉटी का तो अभी कुछ हुआ ही नहीं है। एक्सरसाइज बोला है लोग डॉक्टर, एक्सरसाइज कराइए दिन में 4 से 5 बार, एक्सरसाइज इसका दवा है और मेडिसिन वगैरह तो चल ही रहा है और एक्सरसाइज हो रहा है। माँ भी थोड़ा बहुत चलती है, पहले तो 3 महीना हो गया था कि बिल्कुल करवट नहीं लेना है आपको, इधर उधर नहीं करना। बट जब उसका स्टिच कटा ना आफ्टर 25 डेज, तो उसका स्टिच कटने का डॉक्टर बोला कि अच्छा आप थोड़ा बहुत वो कम बोर्ड पे उनको बैठाया जाएगा, फिर उसको करवट लिया जाएगा। तो वो धीरे धीरे हो रहा है सब कुछ, बट अभी भी पूरी तरह से वो ठीक नहीं है, वेट पे ही है अभी। और एज भी इतना ज़्यादा नहीं है, देख के बहुत ज़्यादा खराब लगता है कोई यंग इंसान अब बेड पे चला जाए, मैं ही बेड पे चली जाऊँ, तो मतलब होता है ना अनएक्सपेक्टेड हो जाता है कि ये एक्सपेक्ट नहीं किए थे। तो बस यही सब रीज़न था। अभी मेरी माँ ठीक है, मेरी माँ बेड पे है बट वो अभी ठीक है। और वो भी कब ठीक होगा, ये जो प्रॉब्लम है दो चीज़ का, ये कब ठीक होगा वो मुझे को नहीं पता,
वो तो भगवान ही जानते हैं कब ठीक होगा। जब ठीक होगा मैं आपको वो भी बता दूंगी। तो इसलिए मैं वीडियोस नहीं बना रही थी, व्लॉग्स आपके साथ शेयर नहीं कर पा रही थी, यही रीज़न था। एंड बस यही बताना था। तो आई होप आप मेरी सिचुएशन को समझ रहे होंगे एंड मेरे बात को समझ रहे होंगे, इसलिए मैं व्लॉग्स नहीं बना रही थी। तो बस अब मैं इस व्लॉग को एंड कर रही हूँ, मतलब इस वीडियो को एंड कर रही हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा बोल नहीं पाती हूँ। मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, सिचुएशन कभी ठीक बीच में रहा नहीं, तो इसलिए मैं व्लॉगिंग नहीं कर पाई। तो चलिए मैं इस व्लॉग को यहीं एंड करती हूँ, वीडियो को एंड करती हूँ। एंड आई होप आप मेरी बात को समझे होंगे। अगर अगर समझते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है? और मेरी माँ के लिए बहुत सारा प्रेयर कीजिए कि मेरी माँ एकदम जल्दी से ठीक हो जाए, क्योंकि सबकी माँ तो इतनी प्यारी होती है जितनी मुझे मेरी माँ मेरे लिए है। तो ठीक है, कल मिलती हूँ किसी वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, ठीक है? मैं कोशिश करूँगी कल से व्लॉग स्टार्ट करूँ एंड आपके साथ कंटिन्यू शेयर करती रहूँ, ठीक है? बाय बाय।